हेलो बच्चों गाइस, क्या हाल है भाई सबका? साल चल रहा, बोले क्या कर रहा? क्योंकि देखो अब तो मेरा डेली व्लॉग नहीं आ पाएगा और अलग अलग मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग आएगा। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज अभी मैं उठा हूँ, जस्ट अभी उठा हूँ और बहुत ज़्यादा आज ठंड है, धुंध है बहुत ज़्यादा, आप देख रहे होंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये हमारा खेत है, आप लोगों को कई बार दिखा ही रखा होगा पिंकी ने। और बहुत ज़्यादा धुंध रखी है और बहुत ज़्यादा सर्दी है आज, ठीक है। टिकट मैंने कल बुक कर दी थी और टिकट बुक करने के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि वो कंफर्म नहीं हुई, मैंने फिर भी बुक कर दी थी, वेटिंग लिस्ट में है अभी, पता नहीं कितनी वेटिंग लिस्ट में चल रही है, ठीक है। और देखते हैं कैसे क्या रहता है, बुक होती है या नहीं होती है, अगर हो जाती है तो हम जाएंगे, नहीं होती है तो कल के लिए देखता हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बाकी बस में तो नहीं जाऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा। मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मैंने क्या क्या यूज़ किया और कितने पैसे में कम से कम बजट में गया मैं, और ये सारी चीज़ें यूज़ करूंगा मैं। तो यही था गाइस, देखते हैं कैसे क्या रहता है। अब मैं सोच रहा हूँ जाने की तो सोच ली, क्या जाना ही है, बट अभी कुछ पता नहीं लग रहा कि कैसे जाऊँ कैसे नहीं। तो गाइस वीडियो को जो भी भाई आया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी रहता है मैं पूरे दिन का आपको बताता रहूँगा क्या कुछ बन रहा है, ठीक है। हिमांशु उठ के रेडी हो गया है, खाना खा रहा है ये। हाँ भाई क्या चल रहा है? काम चल रहा, बोले क्या कर रहा? ठीक है। और यहाँ पे पिंकी भी उठ चुकी है, ये देखो पिंकी भी उठ गई है। हेलो बच्चों गाइस, क्या हाल है भाई? पापा आ गए थे भाई एकदम। चल ठीक है, चलो दूध ले आइयो। तो गाइस पैकिंग वैकिंग हो गई है और टिकट होनी अभी बाकी है, टिकट कंफर्म नहीं हुई है अभी, ठीक है। और देखते हैं कैसे क्या रहता है। तो गाइस गुड न्यूज़ है और टिकट हो गई हमारी कंफर्म, ठीक है। और सामान सारा पैक हो गया है, ये देखो इसमें ये लेके जाऊंगा मैं। और मैंने लैपटॉप डाल लिया है, अपना मोबाइल भी ले लिए हैं, सारी चीज़ें ले ली है मैंने। और देखते हैं कैसे क्या रहता है। और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो भाई जाना चाहता है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या आपको जरूरत भी रहेगी। मैंने पासपोर्ट भी ले लिया है अपना, सारी चीज़ें ले ली है मैंने, ठीक है। तो देखते हैं गाइस कैसे क्या रहता है, और आपका सहारा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पे आए हैं तो देखिए कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब का, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर से भी ज़रूर जाइए। और बस अभी निकलने की तैयारी है, अभी टाइम हुआ है कुछ 11:25 और देखते हैं अभी एक या दो घंटे के अंदर हम निकलते हैं, ठीक है। तो गाइज हम निकल लिए हैं नेपाल के लिए, तो अभी देखो कैसी रहती है जर्नी और मज़ा आने वाला है, भोकाली मज़ा आने वाला है, मतलब बढ़िया, और खूब इन्जॉयमेंट करके आएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि अलग अलग कंट्री जाएं, बट कुछ काम भी है, हो सकता है आना भी पड़ जाए मेरे को। तो गाइस वीडियो पे बने रहिएगा, अभी हम दिल्ली के लिए ट्रेन ले रहे हैं, हमारे यहाँ से दिल्ली है कुछ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के बाद दिल्ली आ जाएगा। और मैं सारा जो खर्चा बताऊंगा आप लोगों को वो दिल्ली से बताऊंगा, यहाँ से नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी बंदे दिल्ली से खर्चा ही देखने की सोचते हैं, ठीक है। तो अभी रहिएगा वीडियो पे। तो गाइस हम पहुँच गए हैं आप मेट्रो स्टेशन पर, और यहाँ से जाएंगे हम दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन। और
all the demons creeping in, oh. Another round trading shots with my ego. Running can't tell me now. Your chains only drag me down. I've battled hard with the face in the mirror. Every scar makes me dig down deeper. Push it till there's nothing more. Cause I'm stronger than I was before. It's time to stand up, stand up. Show me what you're made of. गाइस देखो ये लंबी लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए, पता नहीं क्या किस वजह से लगी हुई है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे ये लाइन लगी हुई है। तो गाइस ये हमारी ट्रेन आ गई है और ट्रेन हमारी बहुत लंबी है और अभी मैंने स्लीपर क्लास का ही करवाया है, ठीक है। और स्लीपर क्लास का बहुत मतलब बजट में पड़ गया। मैं इसके बारे में आपसे रेट वेट सारी चीज़ें बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी फ़िलहाल चलते हैं अपनी शीट के ऊपर। हमारा है S4 में, ठीक है, बट शीट अच्छी नहीं मिली है। चलो भाई अभी खा लेते हैं हम रोटी, ठीक है। मूवी देख रहा था मैं और बहुत भीड़ है। स्लीपर क्लास में भी जनरल क्लास का फील आ रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। गर्मी भी है साथ में। चलो भाई सुबह होते हैं, अभी खाना खाते हैं, हो सकता है चाय पीना, उसके बाद सो जाऊंगा। फिर सुबह मिलते हैं, कल शाम को ट्रेन हमारी पहुँचेगी, तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम आ गए हैं गोरखपुर और गोरखपुर कुछ इस तरीके से है। और गाइस बहुत 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 टाइम लग गया स्लीपर क्लास में, इतना परेशान हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। स्लीपर क्लास में नहीं लेनी चाहिए, बट हमको चाहिए था बजट फ्रेंडली, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। क्योंकि आप लोगों को भी बताना है क्या कुछ रहता है स्लीपर क्लास का और क्या नहीं, तो यही है गाइस। चलो देखते हैं अभी, क्योंकि देखो अब तो मेरा डेली व्लॉग नहीं आ पाएगा और अलग अलग मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग आएगा, तो क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कल का दिन भी इसी में लग गया और आज का दिन भी इसी में लग जाएगा, तो कैसे बनाऊँगा व्लॉग। तो इसीलिए दो दिन में एक बार व्लॉग आएगा और पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कोलंबिया, अभी सभी जगह धीरे धीरे जाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं चलो क्या क्या रहता है क्या नहीं, ठीक है। ये देख लो गाइस, पूरी रात चली गई, पूरा दिन चला गया, आज भी 1 बजे ये चेकअप साहब आए थे। देख लो ये स्लीपर क्लास में बिल्कुल थर्ड क्लास सर्विस देते हैं, और हम यहाँ पे बैठे हैं वेट कर रहे हैं स्टेशन आने का। अभी तो 3 से 4 घंटे लगेंगे और कुछ नहीं कह सकते अभी फिलहाल। तो गाइस पहुंच गए हैं हम आधे रास्ते में ही, अभी आधे रास्ते में नहीं पूरा होने वाला है बस। अब रोटी खाने का टाइम आ गया तो रोटी खा लेते हैं। रोटी खा के फिर थोड़ा सा पेट पूजा भी ज़रूरी है और खाने को तो कुछ बाहर से तो कुछ खाना नहीं है मेरे को, घर से ही लेके आया था तो वो बेस्ट रहता है। तो पहले खा लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। और गाड़ी अभी अभी चली है पूरे 1.5 घंटे में। तो गाइस हम पहुंच गए हैं रक्सौल अभी उतरने वाले हैं, देखिए। Scream it till
तो गाइस हम पहुंच गए हैं रक्सौल और हमारी दिल्ली से रक्सौल की जर्नी यहीं समाप्त होती है। देखो दो दिन लगे, मैं दो दिन में एक व्लॉग डाला करूंगा। तो गाइस यही था इस वीडियो में, और ख़र्चा मैं बता देता हूं आपको क्या लगा है मेरा, क्या नहीं लगा है। दिल्ली तक जो भी भाई दिल्ली तक आएगा उससे उसका तो खुद का है, उसके बाद जो दिल्ली से रक्सौल तक का है वो सिर्फ और सिर्फ स्लीपर क्लास में आता है। 605 रुपए की या 15 रुपए की ऐसी टिकट है, और रिजर्वेशन की टिकट है, स्लीपर क्लास की टिकट है। अगर आप एसी में आना चाहते हो तो 1200 रुपए की टिकट है इस वाली ट्रेन की। ये वहाँ से चली थी 5:35 पे, ठीक है। और आप अगर आना चाहते हो सेकंड एसी में तो 1600 रुपए की टिकट है, और फर्स्ट एसी में 2300 रुपए की टिकट है। तो गाइज़ आप आ सकते हैं, ये आपके पास सोर्स है। और आप अगर बस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो बस की टिकट जो है वो 3000 रुपये की है, बस की टिकट। तो गाइज़ आप देख लीजिए जैसे भी आपको आना है, क्योंकि बस की मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि बस में क्या होता है कि आपको कभी लग्जरी बस चाहिए या किसी कोई और बस चाहिए, अभी कुछ वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है किस तरीके की बस आपको चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ यही था इस वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।